9 मार्च को लंदन से मुंबई पहुंची थी कनिका कपूर। लखनऊ और कानपुर में कई पार्टियों में हुई शामिल। होली पार्टी में भी पहुंचे थे कई लोग। कनिका कपूर पर केस दर्ज करेगा लखनऊ प्रशासन। कोरोना संक्रमण को लेकर जानकारी छिपाने का आरोप। कनिका की पार्टियों की भी होगी जांच। लखनऊ के होटल ताज को जिला प्रशासन ने बंद कर दिया है। कोरोना संक्रमित कनिका कपूर की पार्टी इसी होटल में हुई थी। लखनऊ, कानपुर और नोएडा को सैनिटाइज करने का भी निर्देश। भारत में कोरोना वायरस के अब तक 223 मरीज। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 50 नए मामले सामने आए। वायरस के संक्रमण से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में 23 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। 22 मार्च को रेलवे का लॉकडाउन। जनता कर्फ्यू के दिन पूरे देश में बंद रहेगी ट्रेन सेवा। 2400 ट्रेन 21 मार्च को नहीं चलेंगी। बरेली में जर्जर इमारत गिरी। हादसे में एक मजदूर की मौत। 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर सख्त आदेश दिए। यूपी में सभी मॉल, स्कूल, कॉलेज 2 अप्रैल तक पूरी तरह बंद। पुलिस को निर्देश, जरूरी चीजों की कालाबाजारी ना होने पाए। कनिका की हाई प्रोफाइल पार्टी में कई हस्तियां हुई थी शामिल। कनिका की पार्टियों में वसुंधरा राजे सिंधिया, दुष्यंत सिंह समेत कई हस्तियां भी शामिल थी। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह सेल्फ आइसोलेशन में गए। कोरोना संक्रमित कनिका कपूर की पार्टी में हुए थे शामिल। जय प्रताप सिंह ने ट्वीट कर लोगों से संयम बनाए रखने की अपील। कोरोना वायरस पर हालात का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्यमंत्रियों से बात। राज्यों की तैयारियों की जानकारी। लखनऊ में 2 अलग अलग पार्टियों में गई थी कनिका कपूर। दूसरी पार्टी में कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद भी थे शामिल। जितिन प्रसाद भी सेल्फ आइसोलेशन में गए। लखनऊ, कानपुर और नोएडा को सैनिटाइज करने के निर्देश। कनिका कपूर मामले के बाद यूपी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों को 2 अप्रैल तक रद्द करने के आदेश। लखनऊ में सीएम योगी ने स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से फोन पर बात की। सीएम योगी ने जय प्रताप के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने खुद को किया है आइसोलेट। नोएडा के कई अधिकारी और पत्रकार भी हुए कोरोना वायरस के संदिग्ध। स्वास्थ्य मंत्री के कार्यक्रम में हुए थे शामिल। वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके बेटे दुष्यंत सिंह ने भी खुद को किया क्वारंटाइन। लखनऊ में कनिका की पार्टी में थे मौजूद। संसद की कार्यवाही में शामिल हुए थे कनिका की पार्टी से लौटे दुष्यंत सिंह। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, बंद करो संसद। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी की कार्यवाही। भ्रष्टाचार के आरोप में 10 अधिकारियों और एक फर्म के खिलाफ केस दर्ज कर जांच के आदेश दिए गए। 1 अधिशासी अभियंता और 4 एसडीओ और 5 अपर अभियंताओं के खिलाफ जांच के आदेश। भारत में कोरोना वायरस के अब तक 223 मरीज। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 50 नए मामले सामने आए। यूपी में कोरोना के 4 नए केसेस। यूपी में 23 मरीजों में कोरोना की पुष्टि। प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने के निर्देश दिए। कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 4 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 52 संक्रमित। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से 6 संदिग्ध गायब। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नागपुर और पिपरी चिंचवाड़ पूरी तरह से बंद। सिर्फ दवा और राशन की दुकानें खुलेंगी। दिल्ली में भी सभी मॉल को बंद करने के आदेश। सिर्फ जरूरी दुकानें खुलेंगी। व्यापारी संगठन ने 3 दिन के लिए बंद किए बाजार। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दिन बंद रहेगी दिल्ली मेट्रो। कल आधी रात से दिल्ली एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट की आवाजाही बंद। कोरोना वायरस की वजह से यूपीएससी सिविल सेवा के इंटरव्यू स्थगित किए गए। 23 मार्च से 3 अप्रैल तक होने थे इंटरव्यू। बाद में होगा तारीखों का ऐलान। कोरोना वायरस से मौत के मामले में चीन से आगे निकला इटली। इटली में मरीजों की तादाद 36,000 के पार। कोरोना ने इटली में अब तक 3,400 लोगों की जान ली। मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट से पहले ही कांग्रेस ने हार मानी। कमलनाथ ने दिया इस्तीफा। गिरी 15 महीने पुरानी सरकार। सिंगर कनिका कपूर में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। लखनऊ में कई पार्टियों में शामिल हुई थी कनिका कपूर। कनिका की पार्टियों में वसुंधरा राजे सिंधिया, दुष्यंत सिंह समेत कई हस्तियां भी शामिल हुई। उत्तराखंड में 129 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए गए। 95 मरीजों की सैंपल रिपोर्ट आई। 92 मरीजों की सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई। 3 मरीजों में कोरोना वायरस होने की पुष्टि हुई। लखनऊ में जनता कर्फ्यू को कामयाब बनाने के लिए पुलिस ने कसी कमर। सरकारी वाहनों पर जनता कर्फ्यू का पालन करने के लिए पोस्टर चस्पा किया गया।
झांसी रेलवे स्टेशन पर कोरोना के चलते साफ सफाई की उचित व्यवस्था, रेलवे की निगरानी में विदेशी नागरिक, सैनिटाइजर का किया जा रहा है छिड़काव। सीतापुर में डीएम अखिलेश तिवारी ने कोरोना वायरस से लोगों को जागरूक करते हुए अपना एक वीडियो जारी किया। डीएम ने हैंडवॉश कर लोगों को कोरोना वायरस से बचाव का मैसेज दिया। कोरोना से लड़ने के लिए पीएम मोदी की देश की जनता से अपील, जनता खुद लगाए देश में कर्फ्यू, 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घर से ना निकले। पीएम मोदी के जनता कर्फ्यू को कांग्रेस का साथ, अजय माकन ने कहा सरकार को देंगे पूरा सहयोग। पीएम ने कही है रविवार घर से नहीं निकलने की अपील। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से की जनता कर्फ्यू को सफल बनाने की अपील, कहा संगठित होकर देश हित में कर्तव्य पालन का संकल्प। कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने दी संकल्प और संयम बरतने की अपील, कहा हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ का मंत्र अपनाना जरूरी, भीड़ भाड़ से दूर रहें लोग। पीएम मोदी ने लोगों से की पैनिक न होने की अपील, कहा जरूरी सामान की सप्लाई नहीं रोकी जाएगी, सामान इकट्ठा करने की होड़ न लगाएं, संपन्न लोग अपने कर्मचारियों के आर्थिक हितों का ख्याल रखें। दिल्ली के निर्भया केस में 7 साल बाद हुआ इंसाफ, गैंगरेप और हत्या के चारों दोषियों को सजाए मौत, दिल्ली के तिहाड़ जेल में सुबह 5:30 बजे दी गई फांसी। मेरठ के जल्लाद पवन ने चारों दोषियों को तिहाड़ जेल में फांसी पर लटकाया, फांसी के बाद तिहाड़ जेल के बाहर लोगों ने खुशी जताई। दिल्ली के दरिंदों को फांसी मिलने पर निर्भया की मां ने जताया संतोष, कहा यह है देश की बच्चियों की जीत, आज के दिन को बताया न्याय दिवस। फांसी के बाद निर्भया के पिता ने भी जताया संतोष, कहा देर से सही मेरी बेटी को न्याय मिला, कोर्ट के फैसले से अपराधियों के अंदर डर पैदा होगा। निर्भया के दोषियों की फांसी को पीएम मोदी ने बताया न्याय की जीत, महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को बताया सबसे ज्यादा अहम, महिलाओं के सशक्तिकरण पर दिया जोर। निर्भया के दोषियों को फांसी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर इस न्याय प्रक्रिया में एक प्रेरणादायक अध्याय बताया, कहा आज न्याय के प्रेरणादायक पृष्ठों में एक अध्याय और जुड़ गया। निर्भया के चारों दोषियों को फांसी पर लटकाने वाले पवन जल्लाद को 60,000 रुपए की फीस मिलेगी, यह पहली बार होगा जब किसी जल्लाद को इतनी ज्यादा रकम फीस के रूप में दी जाए। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा यह एक ऐतिहासिक दिन, देश ने दुष्कर्मियों को एक कड़ा संदेश दिया, अगर किसी ने यह अपराध किया तो उसे फांसी दी जाएगी। कानपुर में निर्भया के दोषियों की फांसी के बाद लोगों में खुशी का माहौल, कहा न्याय देर से ही सही लेकिन आज देश की बेटी को न्याय मिला। जौनपुर में मंत्री उपेंद्र तिवारी ने निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटका जाने पर जताई खुशी, कहा निर्भया मेरे जिले की बेटी थी, साथ ही उन्होंने योगी सरकार की 3 साल की उपलब्धियां भी गिनाई। अमरोहा में मंत्री विजय कश्यप ने कमलनाथ पर निशाना साधा, कहा कमलनाथ एक असफल व्यक्ति है और वह अपनी असफलता छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। हमीरपुर में कोरोना को लेकर पुलिस प्रशासन सजग, अधिकारियों कर्मचारियों को मास्क और सैनिटाइजर देकर उनका इस्तेमाल करने के दिए निर्देश। प्रयागराज में विश्व प्रसिद्ध हनुमान मंदिर को बंद किया गया, कोरोना को लेकर एहतियातन उठाया गया कदम, 22 मार्च को मंदिर में एंट्री पर रहेगी रोक, स्वामी नरेंद्र गिरी ने हवन पूजन के बाद मंदिर में ताला लगवाया। बिजनौर नगर पालिका परिषद ने कोरोना को लेकर अलर्ट, शहर के मुख्य मार्गों और सड़कों को सैनिटाइज किया गया, दुकानों और घरों को भी सैनिटाइज किया गया, लोगों से शहर में गंदगी नहीं फैलाने की अपील की। पीएम मोदी के 22 मार्च को जनता कर्फ्यू वाले निर्णय का हल्द्वानी में स्वागत किया गया, प्रांतीय व्यापार मंडल ने बाजार बंद रखने का ऐलान किया, व्यापार मंडल ने कहा मानव जिंदगी पहले है इसलिए पीएम मोदी की बातों का पालन करें। उधम सिंह नगर में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी, भारत नेपाल सीमा पर बढ़ती जा रही है विशेष सावधानी, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही लोगों को देश में दी जा रही है एंट्री, अभी तक 5,000 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य विभाग की टीम कर चुकी है स्क्रीनिंग। उन्नाव में कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट पर, कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस आने वाले लोगों को सैनिटाइजर का उपयोग करने के निर्देश, साथ ही नमाज के लिए आने वाले नमाजियों की भी थर्मल स्क्रीनिंग करवाई गई, सैनिटाइजर का उपयोग भी करवाया गया।
कौशाम्बी में अवैध सीमेंट फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फैक्ट्री में 850 बोरी नकली व्हाइट सीमेंट, 2 पिकअप बरामद। अमेठी पुलिस ने जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की। हेल्पलाइन के जरिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, जिस पर लोग पुलिस की मदद ले सकते हैं, साथ ही कोरोना को लेकर कोई भी जानकारी दे सकते हैं। प्रयागराज में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुमे की नमाज अदा की, साथ ही कोरोना को खत्म करने को लेकर दुआएं भी मांगी। लोगों ने एक दूसरे को कोरोना से बचाव को लेकर उपाय भी बताए। बागपत में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट, एसपी ने पुलिस विभाग को दिए जरूरी दिशा निर्देश। सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस को एहतियातन मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। फरियादियों के लिए भी सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। लखनऊ में विधानसभा भवन को किया गया सैनिटाइज, विधानसभा मंडप सहित में सभी कमरों की कराई गई सफाई। 31 मार्च तक सभी गैर जरूरी सचिवालय पास बनाने पर रोक, कोरोना से बचाव के लिए उठाया गया कदम। रविवार को विधानसभा स्टाफ की रहेगी छुट्टी। पीलीभीत जिला के प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सुशासन के 3 वर्ष नए भारत का नया उत्तर प्रदेश नाम की पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा किए गए कामों के बारे में लोगों को जानकारी दी। झांसी में बन रहे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का डीएम ने स्थलीय निरीक्षण किया, निर्माण कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए। यूपी सरकार के 3 साल पूरे होने पर राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा। औलख ने लोगों को कोरोना वायरस को लेकर सावधानी बरतने की भी अपील की। कौशाम्बी में नकली सैनिटाइजर बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि की टीम ने फैक्ट्री पर छापेमारी की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से भारी मात्रा में नकली सैनिटाइजर, हैंड वॉश और उपकरण बरामद। प्रतापगढ़ में बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे दुकान लगाए लोगों को कुचला, 3 लोगों की मौके पर ही मौत, कई लोग घायल। सभागंज कस्बे में हुआ हादसा। मुजफ्फरनगर में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी, जिले में अब तक 70 से ज्यादा संदिग्धों की जांच की गई, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव मिली। जिले में आने वाले वाहनों को किया जा रहा है सैनिटाइज। डीआईजी जेल लव कुमार ने किया सहारनपुर जिला जेल का निरीक्षण, कोरोना से बचाव को लेकर दिए कई निर्देश। मुजफ्फरनगर में चरथावल पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार, 1 चकमा देकर फरार। प्रयागराज में कॉलेज प्रशासन की बड़ी पहल, कॉलेज की वेबसाइट के माध्यम से सीधे ऑनलाइन जुड़कर अपने शिक्षक से पढ़ाई कर सकेंगे छात्र, कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज किए गए हैं बंद। चित्रकूट के नकेली गांव में दंपति की पत्थरों से कुचलकर हत्या, महिला के फुफेरे भाई पर हत्याकार। नोएडा के थाना जारचा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल, दोनों बदमाशों पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज। योगी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां बताने जिले के प्रभारी मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह गोंडा पहुंचे, मंत्री ने कोरोना को लेकर जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया। फिरोजाबाद के मटसेना में युवक की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश की आशंका, घटना की जांच में जुटी पुलिस। जौनपुर के वाजिदपुर इलाके में मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, मारपीट करने वाला युवक गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में विदेश से लौटे 2 कोरोना संदिग्धों को अस्पताल भेजा गया, बुखार के चलते इलाज के लिए भेजा गया। हाथरस के हसायन इलाके में कैंटर गाड़ी में लगी आग, बाल बाल बचा कैंटर चालक, आग पर काबू पाया गया। देहरादून के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र के क्वारंटाइन में रह रहे 2 और प्रशिक्षु निकले कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग ने लॉकडाउन करने को लेकर जिलाधिकारी को लिखा पत्र। बागपत में महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, प्रॉपर्टी डीलर से थी परेशान, पीड़ित महिला की आपबीती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस घटना की जांच कर रही है। बुलंदशहर के खानपुर इलाके में बदमाश डकैत एक ही रात में 2 घरों में डकैती की घटना को दी अंजाम, दोनों घरों से नकदी समेत लाखों के जेवर ले उड़े चोर। यूपी के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने वाराणसी में सरकार की 3 साल की उपलब्धियां गिनाई, कहा योगी सरकार में किसी भी प्रकार का दंगा नहीं हुआ, लूटपाट की वारदातों में भी कमी आई। किसी